तो चलिए शुरू करते हैं आईपीएल और क्रिकेट जगत की कुछ खबरों के साथ। बहुत सारी खबरें हैं तो धीरे धीरे सबको निपटा लेते हैं, आपको भी मजा आएगा। तो शुरू करते हैं, तो पहला खबर है एलएसजी से। तो लखनऊ कल का मैच हार गई, कोलकाता नाइट राइडर्स कल का मैच जीत गई। कोलकाता के जीत के साथ ही केकेआर टॉप पर पहुंच गई है पॉइंट्स टेबल पर। कल का मैच में एलएसजी को 98 रनों से हराया केकेआर ने। आईपीएल में रनों के लिहाज से यह एलएसजी की सबसे बड़ी हार है। केकेआर इसके साथ ही आईपीएल 2024 की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। केकेआर ने 235 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और जब एलएसजी बल्लेबाजी करने के लिए आई तो 16.1 ओवर में 137 रनों पर ऑल आउट हो गई। तो कोई एकदम टक्कर नहीं रहा पहले अपना रन, और एलएसजी जब बल्लेबाजी करने आई तो रन नहीं लगा। तो ये देखे तो कल का रिपोर्ट था कल के मैच का। कल दो मैचेस हुए थे, तो अगले मैच के बारे में चलते हैं खबर अगली खबर में। तो अगला खबर है सीएसके और पीबीकेएस से। तो सीएसके ने कल पीबीकेएस को हराया, यानी पंजाब को हराया, और अपने लगातार 5 हार जो चल रहा था उनका, उसका सिलसिला खत्म किया। कल के मैच में 28 रनों से जीती सीएसके। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 167 रन बनाए, और जवाब में जब पीबीकेएस उतरी तो 139 रन ही बना पाई, 139 पर 9 विकेट 20 ओवर में। और यह मैच देखे तो 28 रन से हार गई पंजाब की टीम, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और पॉइंट्स टेबल पर बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर अभी देखे तो सीएसके तीसरे स्थान पर है, और हमको लगता है कि अभी भी तीसरे स्थान पर होगी। बाकी देखते हैं क्या हो, बाकी केकेआर के जीतने के बाद हमको पता नहीं, पॉइंट्स टेबल हम देखे नहीं, बाकी आप बता सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगला खबर है सुनील नरेन से। तो सुनील नरेन ने कल के मैच में शानदार बल्लेबाजी की, 81 रनों की पारी खेली, और उसी के साथ वो आईपीएल में 1500 रन और 150 प्लस विकेट लेने वाले, 1500 से अधिक रन और 150 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं सुनील नरेन। इनसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो ने ऐसा कारनामा किया था, अब ये कर चुके हैं। अगर ठीक है आप बता सकते हैं इनके बारे में। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगला खबर है केकेआर ने बनाया एलएसजी के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल। तो केकेआर ने कल के मैच में एलएसजी के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल बनाया 235 रन, जो कि उनका एलएसजी के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल है। इनसे पहले 227 था, जो कि आईपीएल 2023 में बना था, अहमदाबाद में बनाया था। चलते हैं अगले खबर की तरफ। तो अगला खबर है पंजाब किंग्स के परमसिमरन सिंह से। तो परमसिमरन सिंह T20 क्रिकेट में अपने 2000 रन पूरे कर लिए हैं। 75 पारियों में T20 करियर में 2000 रन पूरे कर लिए हैं उन्होंने, जिसमें 2 शतक है और 13 अर्धशतक है। और इनका देखें तो सर्वश्रेष्ठ जो स्कोर है वह 119 है, और उन्होंने अब तक 196 चौके T20 में जड़े हैं और 108 छक्के जड़े हैं। तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका T20 करियर में या T20 क्रिकेट में। बाकी आप बता सकते हैं इनके बारे में, अगर फैन होंगे तो कमेंट बॉक्स में इनका नाम जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगले खबर की तरफ। तो अगला खबर है जडेजा से। तो जडेजा ने सीएसके के लिए सर्वाधिक बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड पाया है, और इसी के साथ उन्होंने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। धोनी जो है सीएसके के लिए 15 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, और जडेजा 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। बाकी आप बता सकते हैं इनके बारे में। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगला खबर है शिवम दुबे से। तो जब से देखें तो T20 विश्व कप में शिवम दुबे चुना है, तब से इनका बल्ला खामोश हो गया है। जैसे कि T20 के नाम से इनको बेहोशी आ गई है कि क्या हो गया पता नहीं, मतलब इनका बल्ला ही नहीं चल रहा है। कल के मैच में भी देखे तो ये 0 पर आउट हुए, और 9 मैचों में 350 रन इस आईपीएल में अभी तक इन्होंने बनाए हैं, लेकिन अब इनका बल्ला नहीं चल रहा है। 2024 में अब तक 26 छक्के भी लगा चुके हैं, तो शुरुआत में फॉर्म में थे, लेकिन जैसे ही T20 की लिस्ट आई उनमें इनका नाम आया, तब से देखे तो इनका हालत ख़राब है। हम आशा करेंगे कि इनका बल्ला चले। बाकी चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगला खबर है एमएस धोनी से। तो एमएस धोनी बने आईपीएल में 150 कैच लेने वाले पहले विकेट कीपर। तो 150 कैच ले चुके हैं एमएस धोनी अब तक अपने आईपीएल के करियर में। इससे पहले दिनेश कार्तिक ने 144 कैच पकड़े हैं अपने आईपीएल करियर में, और रिद्धिमान साह 119 कैच पकड़े हैं, जो कि तीसरे स्थान पर हैं, और ऋषभ पंत 75 कैच पकड़े हैं, और नंबर वन पर एमएस धोनी हैं। बाकी आप बता सकते हैं इनके बारे में जो भी कहना हो। चलते हैं अगले खबर की तरफ। तो अगला खबर है एमएस धोनी से ही और हर्षल पटेल से। तो कल के मैच में सीएसके और पंजाब के बीच में कल जो मैच हो रहा था, उसमें धोनी भैया 9वें डाउन पर आए थे खेलने के लिए, और 9वें डाउन पर लगता है कि पहली बार आए थे वो, और उनको आते ही चलता किया हर्षल पटेल ने एक स्लोअर वन यॉर्कर डालकर। और ये देखे तो उनके द्वारा फैंस ऐसा कर रहे थे कि धोनी आएंगे छक्का वक्का मारेंगे थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे, लेकिन नहीं, हर्षल पटेल ने कहा कि नो मनोरंजन ओनली यॉर्कर, और यॉर्कर मार के धोनी भैया को साइड किया। कोई दिक्कत नहीं, बाकी धोनी का बाकी देखे तो इसका वीडियो वायरल हो रहा है,
और आप इस चीज को लाइव देखे थे कि नहीं देखे थे जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगला खबर है कोहली भैया से। तो कोहली भैया का जो मैच था जीटी के साथ, उसमें कोहली भैया गाली बकते हुए, जो कि हमेशा वो बकते हुए नजर आते हैं, उनका देखो देखो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रिद्धिमान शाह को कह रहे हैं ऐसे कैसे खींच लेंगे बेन स्टोक्स। ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि रिद्धिमान शाह ने पहले बोला था कि चल भाई जल्दी कर, 4 विकेट और ले और मैच खींच लेंगे आरसीबी से। तो वहीं पर विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनका भी दिमाग सटक गया। उन्होंने कहा कि बेन स्टोक ऐसे कैसे खींच लेंगे मैच, जब तक हम हैं कोई मैच हमसे खींच नहीं सकता है, समझा रहे रिद्धिमान शाह। तो ऐसा देखे तो बोले ठीक है भैया, विराट कोहली बोलते रहते हैं, बाकी आप इस चीज़ को लाइव देखे थे कि नहीं देखे थे जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगला खबर CSK से ही है और ऋतुराज गायकवाड़ से है। ऋतुराज गायकवाड़ 11 मैचों में सबसे ज़्यादा बार टॉस हारने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, रिकॉर्ड बनाया भी है, टॉस की बराबरी भी की है। 11 मैचों में से 10 बार देखे तो ऋतुराज गायकवाड़ टॉस हारे हैं और IPL सीजन में पहले 11 मैचों में सबसे ज़्यादा बार टॉस हारने का रिकॉर्ड की बराबरी की है। ऋतुराज गायकवाड़ टॉस पे टॉस हार रहे हैं, इन्हें कुछ करना होगा, हवन हवन कराना होगा तभी ठीक होगा ये सब चीज़, नहीं तो हारते ही रहेंगे। बाकी चलते हैं अगली खबर की तरफ। भैया T20 क्रिकेट में 12,500 रन से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं T20 क्रिकेट में। तो 12,500 से अधिक रन बना लिया इन्होंने अपने T20 करियर में। इनसे ऊपर क्रिस गेल हैं, शोएब मलिक हैं, कैरन पोलार्ड हैं, सब इनसे ऊपर थे, मतलब ये मुकाम ये लोग पा चुके हैं। और विराट कोहली भी ये मुकाम, कोहली IPL की मैचों में जीत में 4,000 से भी अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। तो IPL में जो जो मैच जीता है आरसीबी की टीम, तो उसमें देखे तो 4,000 रन बना चुके हैं और टोटली T20 में 12,500 रन इनके बने हुए हैं। तो कोहली भैया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, इनका नाम ही रिकॉर्ड रख देना चाहिए। बाकी चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगला खबर है SRH के क्लासन से। तो हेनरिक क्लासन को आ गया गुस्सा, एगो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखे तो हेनरिक क्लासन को कुछ फैंस घेरे हुए हैं और फैंस कितनी भीड़ देखकर कहे कि उनको आदत नहीं इतना भीड़ का, कहे कि वो तो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वहाँ जनसंख्या कितना है और यहाँ पर जनसंख्या बहुत है। तो आदमी घेर लिया अंग्रेज समझ के, उनको लगा कि भाई कोई बड़े आदमी है, कोई अंग्रेज है तो इनको चाय पिलाना चाहिए, तो अब चाय पिलाने लगा। तो उसमें देखे तो ये खिसिया गए और इनका वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है, आप बता सकते हैं इसके बारे में। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगला खबर है दिनेश कार्तिक और विराट कोहली से। दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली को पहनाई ऑरेंज कैप। तो GT के साथ जब मैच था RCB का, तो उसमें देखे तो दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली को ऑरेंज कैप पहनाई और विराट कोहली ने भी दिनेश कार्तिक को झुककर नमन किया, यानी कि उनको सम्मान दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा फैंस को, यानी कि उनको सम्मान दिया जो कि काफ़ी बढ़िया लगा फैंस को। कैप की बात करें तो विराट कोहली अभी सबसे ऊपर पे है रन बनाने में और हमको लग रहा है चांस है कि विराट कोहली शायद ऑरेंज कैप लेके भी जा सकते हैं। बाकी ठीक है, आप बताइए कि RCB क्या प्लेऑफ में एंट्री मार सकती है जरूर बताइएगा। और ये देखे तो कुछ कल के क्रिकेट जगत की और IPL जगत की खबरें थी, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद।